अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल नौसेर ब्लॉग। और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं 12,000 के गेमिंग पीसी। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया हूँ इस गेमिंग पीसी के लिए। इसमें कुछ यूज्ड है जो मैंने OLX से ख़रीदा, कुछ न्यू है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारा पहला कंपोनेंट है प्रोसेसर, जो कि है इंटेल की तरफ से i3-4150, जो कि रिलीज़ हुआ था Q2 2014 में, जिसमें 2 core 4 thread विद अ बेस फ्रिक्वेंसी ऑफ 3.5 GHz। इसका मैक्स TDP है 54 watts विद 3M स्केचेस। सो ये भी एक यूज प्रोडक्ट है जो कि मुझे OLX पर मिली 2000 रुपये में। सो गाइस, हमारा दूसरा कंपोनेंट है मदरबोर्ड, जो कि है GigaByte की तरफ से H81MS। इसका सॉकेट 1150, जो कि सपोर्ट करता है इंटेल 4th generation i3, i5, i7 कोई भी प्रोसेसर को। 2 RAM स्लॉट, जो सपोर्ट करता है 16GB DDR3, एक PCIe 16 स्लॉट जो ग्राफिक कार्ड की है, एक PCIe 1 स्लॉट। तो गाइस, ये भी एक यूज मदरबोर्ड है जो कि मुझे OLX में मिला 1500 रुपये में। हमारी थर्ड कंपोनेंट है DDR3 RAM, एक कोसार की तरफ से 4GB स्टिक और एक सैमसंग की तरफ से 4GB स्टिक। दोनों की फ्रिक्वेंसी स्पीड है 1600 MHz। ये भी एक यूज प्रोडक्ट है, मैंने OLX से ख़रीदा था 1500 रुपये की। सो हमारा फोर्थ कॉम्पोनेंट है SMPS, फ्रंटेक की तरफ से 800 वॉट विथ 6 पिन PCI कनेक्टर। ये मुझे मार्केट प्राइस में 900 रुपीज़ में मिली है। ये बिल्कुल न्यू है, ये कोई यूज प्रोडक्ट नहीं है। सो अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ कंपोनेंट की ओर, जो कि है हार्ड ड्राइव, सीगेट की तरफ से 500 GB। ये भी एक यूज प्रोडक्ट है, मुझे 600 रुपये की मिली है OLX से। सो बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ कंपोनेंट की ओर, जो कि है कैबिनेट। ये बिल्कुल न्यू है, 500 रुपीज़ की। हालांकि यूज मुझे मिल रही थी 300 में, लेकिन 500 में उनको न्यू मिल रही थी विद 1 ईयर वारंटी के साथ, तो बेटर होगा आप भी नया ही लें। सो गाइस, हमारा लास्ट कंपोनेंट है ग्राफिक कार्ड, जो टैक की तरफ से GT 1050 Ti 4GB DDR5। ये भी एक यूज्ड ग्राफिक कार्ड है, OLX पर मुझे अच्छी डील मिली 5000 रुपीज़ में विद 1 ईयर अंडर वारंटी के साथ मिली। सो गाइस, यहाँ पर ही आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, जिस प्रोसेसर हम लोग यूज़ कर रहे हैं i3-4150, वो प्रोसेसर इस ग्राफिक कार्ड को बॉटल नेक करने वाला है। सो गाइस, अगर आपको भी चेक करना है कि i3-4150 के साथ कौन सा ग्राफिक कार्ड मैं लगाऊं जिससे बॉटल नेक नहीं हो, तो आप PCBuild.com में जाके देख सकते हैं। सो गाइस, ये है 12,000 रुपये के PCBuild का सामान। वेट, एक चीज़ मिसिंग है, थर्मल पेस्ट, जो कि 20 रुपये की है थी। आप चाहें तो इसे 10,000 में भी बना सकते हैं, बस करना ये है कि आपको 1050 Ti को छोड़ के 750 Ti, जो कि 2,000 से 3,000 रुपये में मिलेगी, आप उसे ले सकते हैं इस प्रोसेसर में चलाने के लिए, जो कि बिल्कुल बॉटल नेक नहीं होगा। हाँ, थोड़ा परफॉर्मेंस कम मिलेगा, लेकिन बजट के हिसाब से ठीक है यार। सो अगर हम लोग फाइनल प्राइस की ओर बढ़ते हैं, तो आप फाइनल प्राइस देख सकते हैं i3-4150 2,000 रुपये की, H81 मदरबोर्ड 1500 रुपये की, RAM DDR3 8GB 1500 रुपये की, SMPS 900 रुपये की, जो कि बिल्कुल न्यू है, हार्ड डिस्क 600 रुपये की, कैबिनेट जो कि बिल्कुल न्यू है 500 रुपये की, टोटल 7,000 रुपये। अगर आप GT 750 Ti लेते हैं 2,000 से 3,000 रुपये की, तो आपका ओवरऑल प्राइस 10,000, मतलब आप 10,000 के अंदर PCBuild कर सकते हैं। अगर आप GT 1050 Ti लेते हैं 5,000 रुपये की, तो ओवरऑल प्राइस 12,000, जो कि 750 Ti से बेटर परफॉर्म करेगा। इनकेस अगर आप i3 से i5 को कन्वर्ट करते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस तो बेटर होगा 750 Ti से। अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 10,000 है, तो आप i3 के साथ जा सकते हैं 750 Ti। सो गाइस, ये थे हमारे 12,000 गेमिंग पीसी के कंपोनेंट्स। अगर आपका बजट 10,000 रुपीज़ है, तो आप 1050 Ti को छोड़ के 750 Ti ले सकते हैं, या उससे अच्छा वजन का ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। अगर आपको अपग्रेड करना है i3 को i5 में इन फ्यूचर, तो आप 1050 Ti ग्राफिक कार्ड लीजिए, 750 Ti मत लीजिए। तो गाइस, अगली वीडियो मेरे गेमिंग के ऊपर रहेगी, मैं दिखाऊंगा आपको गेम खेल के लिए किस तरह की परफॉर्मेंस मिल रही है मुझे इस गेमिंग पीसी के अंदर, इस बजट सेगमेंट के अंदर। तो प्लीज़, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए। टिल देन, स्टे सेफ।